भिवंडी के वार्ड नंबर 16 की ओर रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि वार्ड नंबर 16 के नगर सेवक नित्यानंद नाडार उर्फ वासु अन्ना ने मां शीतला देवी का किया दर्शन। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज पोसम्मा, जो कि तेलुगु समाज के लोग एक त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि कलश यात्रा निकाली जाती है। ये कलश यात्रा अपने परिसर के सभी क्षेत्र में जाकर अमन और शांति, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने परिवार के सुख और शांति के लिए जो है प्रार्थना की जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि माँ शीतला देवी का जो है पूजा अर्चना रहता है, जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो महिलाएं हैं माँ शीतला देवी का पूजा करते हुए दिखाई दे रही, यानी कि ये जो त्यौहार है पोसम्मा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बलि भी दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्ड नंबर जो 16 के नगर सेवक हैं नित्यानंद नडार उर्फ वासु अन्ना माँ शीतला देवी के दर्शन के लिए पहुँचे। उनके साथ में भाजपा की महिला अध्यक्ष जो है ममता परवाणी भी वहाँ पर दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि अजीत सिंह भी वहाँ पर उनके साथ में हैं, विजय जाधव हैं और कई ऐसे समाज सेवक वहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग माँ शीतला देवी का दर्शन किया और शहर के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना भी की। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस पोसम्मा को किस तरह से मनाया जाता है, उसके बारे में जानकारी देते हुए तेलुगु समाज के कुछ महिलाएं हमारे चैनल से वार्तालाप की। साथ ही साथ जो महिला अध्यक्ष हैं भाजपा की, इस पोसम्मा के बारे में जानकारी देते हुए तेलुगु समाज की एक महिला हमारे चैनल से वार्तालाप की। उसके बाद हम आपको बता दें कि भाजपा की महिला अध्यक्ष ममता परवाणी और नगर सेवक नित्यानंद नडार ने सभी तेलुगु समाज के सभी लोगों को शुभकामनाएं दिए और क्या कहा, देखिए पूरी खबर में। आज हम लोग का है ना तेलुगु परिवार में हर साल में ये आषाढ़ मौसम का है ना देवी का पूजा करता है। हम लोग सब लोग का आज नया साल का जैसा हम लोग चालू करता है, सब लोग बाल बच्चा सब लोग अच्छा रहना चाहिए करके हम लोग चालू करेंगे। ये त्यौहार से त्यौहार करके हम लोग को ये त्यौहार से हम लोग पूरा कार्यक्रम चालू होएगा, पूरा त्यौहार चालू होएगा। आषाढ़ महीने में हम लोग करते हैं, हम लोग को सब बाल बच्चों को सब सुखी रखना चाहिए, कोई बीमारी ना आवे। वही हिसाब से हम लोग मीठा चावल वो मीठा खा चावल भी बनाएंगे, मीठा पूरी भी बनाएंगे, दही वो सब हम लोग लगा के देवी की हम लोग पूजा करते हैं। पहले तो मैं मेरे तेलुगु बंधुओं को पोसम्मा के शुभकामनाएं दूंगा और ये जो वर्ष है ये कोविड का काल कल होने की वजह से ये जो पोसम्मा का ये जो त्यौहार होता है ये हमेशा वराल देवी में होता है, पर ये तो कोविड कारण की वजह से वराल देवी में नहीं हो पाया, तो उसके वजह से ये वार्ड नंबर 16 में ये जो छोटा सा मंदिर है ये मंदिर कई 20 साल जुना मंदिर है और ये मंदिर जो ऊपर बनाया गया है इसको 3 साल हुआ है। तो आज ये वो हमारे जो तेलुगु बांधु हैं इनके जो नया साल का जैसा ये त्यौहार होता है इनका, वो त्यौहार ये लोग ये छोटे मंदिर में मना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और अपना जो पारंपरिक जो उनका जो त्यौहार है उस त्यौहार को मना रहे हैं। तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा और हम हमारे तेलुगु बांधुओं के साथ में हमेशा रहते हैं, इस त्यौहार में मिलते हैं, वैसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद। यहाँ पे 16 नंबर वार्ड में पोसम्मा का कार्यक्रम है। इनका जो तेलुगु समाज है उनका ये पारंपरिक त्यौहार है जो आषाढ़ महीने में वो हर साल मनाते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं। यहाँ पे शीतला माता की पूजा सबको पता है हिंदू धर्म में कि हम लोग हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं, तो हम लोग जैसे श्रावण में करते हैं ये लोग आषाढ़ में करते हैं। और शीतला माता को नैवेद्य लगाना और उनकी ओटी भरना, ओटी भरना यानी उनकी अगर गोद भरी है वैसे हमारी भी गोद भरी रहे, वैसे वो महिलाएँ की गोद भरती है। ये सब त्यौहार है उनका, आज है वो पूरा एक महीना पोसम्मा करते हैं। आज भद्रावती नगर वालों ने यहाँ पे पोसम्मा का त्यौहार रखा है। हाँ, कलश यात्रा भी निकालते हैं। उनमें ऐसा होता है कि जहाँ पे वो रहते हैं वो एरिया से पूरा एरिया घुमाते हुए कलश यात्रा निकालते हुए मंदिर तक आना और मंदिर में फिर देवी की ओटी भरना, उनको नैवेद्य लगाना, ये उनकी परंपरा है और आज हम उसमें सहभागी हुए हैं यहाँ पर।